हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से, बहुत खुश होंगे। खासतौर पे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका कल फाइनली रिजल्ट आ गया। बहुत दिनों से इंतजार था, बच्चे काफी परेशान थे कि रिजल्ट कब आएगा। सो फाइनली 7 अक्टूबर वो दिन था जब बीएड फर्स्ट ईयर 2023 का रिजल्ट आ गया। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, और जो मैंने रिजल्ट देखे काफी अच्छे परसेंटेज आपके बने हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ईयर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब आगे क्या करें। तो भैया सबसे पहले आप फटाफट से मुझे मिठाई भेजने की तैयारी कर लीजिए। जोक सपाट, वैसे आप भेज नहीं पाएंगे, बट 800 की आपके परसेंटेज अच्छे आ गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सो एक चीज मैं आपको दिखाऊं, फिर वही काम आपको करना है। आपको करना क्या है, आपको अपनी एक फोटो और अपनी एक रिजल्ट की स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ जो भी हो आपको हमें भेज देना है। कहाँ भेजना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे हमें भेज सकते हैं। उस फोटो और उस रिजल्ट का मैं करूँगा क्या, पहले ये देख लीजिए। ऐसा ही मैं कुछ करने वाला हूँ, और अगर आपकी इजाज़त हो, आप चाहते हैं कि आपकी फोटो और मार्कशीट भी इसमें ऐड हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियोस थे, कुछ फोटोज थे जो मेरे पास आए हैं, तो एक इसे टीजर समझ लीजिए। इसके बाद एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद पूरे बच्चों का, टॉप परफॉर्मर का, जितने भी बच्चे, आपका डजंट मैटर कि कितने परसेंटेज, 70%, 72%, 75%, 80%, 81%, 82%, जो भी आया हो आप हमें भेज दीजिएगा। मैं चाहता हूँ जितने भी आपके ग्रुप मेंबर हैं सबकी फोटोज और सबका रिजल्ट यहाँ पे शेयर किया जाए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जरूर भेजने वाले हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक और काम करना है। अब मान लीजिए आप मेरे साथ एक साल से जुड़े हैं, राइट, एक साल से जनरली नहीं जुड़े हैं, एग्जाम के टाइम बहुत लोग हमसे जुड़े हैं। अब आपको एक फीडबैक देना है। फीडबैक कैसे देना है, आप चाहे तो कमेंट बता सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बच्चा वीडियो के माध्यम से मुझे अगर फीडबैक देना चाहता है, एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना चाहता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मुझे वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, फिर मैं यहाँ पे आपको टेलीकास्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे आप जुड़ कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी टॉप परफॉर्मर हैं अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो एक टाइम अपने से बना के फिर हम उसकी इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इस चैनल पे अपडेट करेंगे। चलिए यहाँ तक बात हो गई रिजल्ट के बाद अब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक पॉइंट आता है कि अब आगे की पढ़ाई के बारे में क्या करना है। तो देखिए अब वन बाय वन मैं करके पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि सेकेंड ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, और प्रैक्टिकल और रिटन पेपर कितने नंबर का होता है, कॉमन सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन पढ़ाई से संबंधित बातें अगले वीडियो में, अभी तो थोड़ा सा टाइम है एंजॉय करने का, एंजॉय इन सेंस थोड़ा सा मतलब, हाँ ठीक है, रिलैक्स करने का, ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके सेकेंड ईयर की बेसिक चीज़ें, फिर हम उसके बाद रुक के वन बाई वन सब्जेक्ट को हम पढ़ाई करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मैं एक बार फिर से कह दूँ आप सभी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो भी आपका परसेंटेज आया हो टेंशन नहीं लीजिए, अच्छा परसेंटेज होगा, खराब नहीं होगा। अब आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको मेहनत करनी है KVS में, TGT में, अगर इन केस यूपी सरकार ने वैकेंसीज निकाल दी तो उसमें, जो कि लगभग ऑलमोस्ट नियर टू द इम्पॉसिबल है, और इस तरीके के जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हमें वहाँ मेहनत करनी है। बीएड का रिजल्ट आप सबका बेहतर ही आया होगा, कैसे आया है कमेंट बताइए, मेरे वीडियोस कितने फायदेमंद रहा आपके लिए ये भी कमेंट बताइए, और कैसा लगा मेरे चैनल जुड़ के ये भी कमेंट बताइए, ताकि लगे, मतलब जैसे जेन्युइन फीडबैक आप देंगे ना, तो जो नेक्स्ट बच्चे आने वाले हैं उनको लगेगा कि हाँ चलो इनसे बढ़ के बच्चों का फायदा होता है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे, राइट। तो फिर हम अगले वीडियो में चर्चाएं करते रहेंगे। ऐसे मुझे बहुत खुशी हुई वे आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देख के, और कुछ लोगों ने हम तक भेजा भी है।
बाकी आप भी अपनी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और अपनी एक फोटो बेहतरीन अच्छी अच्छी सी जो भी हो भेज दीजिएगा। कहाँ भेजेंगे? चलिए मैं यही बताता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भेज सकते हैं, जनरल नो इशू, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये चार परफॉर्मर है, या फिर इसके अलावा आप हाँ बस यहीं भेज दीजिए, ठीक है। मैं इन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करेगा, मुझे मैसेज करेगा, वहाँ से फिर आपको यहाँ पे उठा के ऐसे वीडियोस बना दीजिए। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो कम्प्लीट हुआ, सेकेंड ईयर ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, सेकेंड ईयर बच्चे ऑलरेडी उनकी कम्प्लीट हो चुकी है कोर्स और उनका रिजल्ट आ गया। अब आप लोग आ जाएंगे सेकेंड ईयर में, फिर हमें एक नया बैच मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो जो अगर आपके जानने वाला कोई ऐसा बच्चा हो जो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, उसको रिकमेंड करिएगा, उसको बताइएगा कि यहाँ आ जाओ, सारे बच्चे यहीं जुड़ के मिलकर पढ़ते हैं, अब आप देख ही रहे हैं कि कितना हेल्पफुल है, तो उनको भी ऐड करिएगा, अपने साथ जोड़िएगा, फिर हम एक साथ मिलकर पढ़ाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके जो भी आपने भेजा है आपका रिजल्ट और फोटो उसके साथ, बाकी ऐसे ही हमारी बातें चलती रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत बधाई के साथ, जय हिंद, जय भारत।